भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा एवं महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता के नेतृत्व में टाउन हॉल स्थित नगर निगम परिसर से मौन जुलूस निकालकर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया, जो महानगर के दीनदयाल नगर मंडल आज से निकलकर गोलघर काली मंदिर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के पास जाकर समाप्त हुआ, जिसके संबंध में महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन 14 अगस्त 1947 को बंटवारे की तंज से झेला था, करीब लाखों लोग बेघर और हजारों की संख्या में कत्ल हुए थे। उसी संदर्भ में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है, ताकि हमारे देश के आम नागरिकों के अंदर देशभक्ति की भावना पैदा हो और आज के दिन सभी क्रांतिकारियों को नमन करते हैं। और इसी संदर्भ में हम सभी भारतीय जनता पार्टी महानगर के कार्यकर्ताओं द्वारा मौन जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर महानगर उपाध्यक्ष ब्रजेश मणि मिश्रा, मंडल अध्यक्ष सिद्धांत घोष, गौरव तिवारी, मनु जायसवाल, जितेंद्र चौधरी, अवधेश अग्रहरी, रुपेश गुप्ता सहित अन्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा, कोई कुछ नहीं, पैदल मार्च आराम से आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। आज के दिन 14 अगस्त 1947 को हमारा देश बंटवारे की तंज झेला था, लाखों लोग बेघर हो गए थे, हजारों हजार की संख्या में कत्लेआम हुए थे। आज का दिन हमारे देश के लिए विभाजन विभीषिका के रूप में हम सभी इसको स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं, ताकि हमारे देश के आम नागरिक जान सकें कि आज 1947 में आज के दिन क्या हुआ था, ताकि हमारे देश के आम नागरिकों के अंदर देशभक्त की भावना पैदा हो। और आज के दिन हम उन ज्ञात अज्ञात सभी क्रांतिकारियों को नमन करते हैं। और आज इसी उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी महानगर के सभी 10 मंडलों में मौन जुलूस आज निकाला जा रहा है, ताकि हम उन ज्ञात अज्ञात अपने देश के जवानों को नमन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। किन किन रास्तों से आज ये मौन जुलूस यहाँ से निकलकर टाउन हॉल होते हुए, गोलघर होते हुए सरदार पटेल की प्रतिमा तक जाएगा। ये दीनदयाल नगर मंडल का ये मौन जुलूस है। इसी तरह हमारे महानगर के सभी 10 मंडलों में आज मौन जुलूस शाम को 5:30 बजे निकाला जा रहा है।